हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने मिले हैं मुझे, मतलब आप लोगों के या तो व्हाट्सएप पे या कम्युनिटी पोस्ट में कितने लोगों ने डाले हैं, तो वो क्वेश्चंस में से मैं आज दो क्वेश्चन मेन आप लोगों को उठा रही हूँ। एक क्वेश्चन है जो पूछा जा रहा है कि मैम, हमारी शादी की एज हो गई है और पार्टनर रिटर्न नहीं हो रहे, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो और आपको पता चल चुका है, लेकिन आपके पार्टनर अभी भी नहीं आ रहे। तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप अपने पार्टनर से हमेशा यूनाइटेड रहते हो, ये याद रखिए। आप 5D में हमेशा उनके साथ में होते हो। ये जो यहाँ पे 3D यूनियन है, ये 3D माया है जो धरती पे होती है बेसिकली। ये जब तक यूनियन में आप लोग तब तक नहीं आते जब तक आपके पर्सन के और आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हो जाते, आपके वूंड्स हील नहीं हो जाते, आपके इश्यूज हील नहीं हो जाते, तब तक आप लोग यूनियन में नहीं आ सकते हो। लेकिन जो DFs मतलब ओनली 20 ईयर्स की एज में है, या 20s, अर्ली 20s है, मिड 20s है, लेट 20s में, वो फिर भी वेट कर सकती है। अगर आपने इनर वर्क करते हो, आपको 3 to 5 ईयर्स हो गए या 3 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, फिर भी आपके पर्सन नहीं आ रहे, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो 5 ईयर्स तक के पीरियड में। लेकिन आपको आपका इनर वर्क करते हुए 5 ईयर्स हो गए और आप 30s, लेट 30s में आ रहे हो या मिड 30s में हो, तो आप कितना वेट करोगे? तो आपको दूसरे सोलमेट के रिश्ते आ रहे हैं या रिश्ते आपकी लाइफ में कोई दूसरा सोलमेट आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। देखो, ये लास्ट डिसीजन कम्प्लीटली यूनिवर्स का होता है। हमें लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे हिसाब से चल सकते हैं, वो ज़रा भी नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि आपका यूनियन कब होगा, समझ लो। तो आपकी, अगर आपकी सोल आपको जवाब देती है कि हाँ आप सोलमेट को एक्सेप्ट कर सकते हो, तो आप वहाँ पे भरिए। अगर आपकी सोल आपको नहीं गवारा हो, आपकी सोल को दूसरा पर्सन गवारा नहीं है, तो आप ऑफकोर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी सोल को गवारा नहीं होगा दूसरा पर्सन। लेकिन एक एक्सेप्टेंस भी होती है ना थोड़ी बहुत, कि मुझे एक्सेप्ट करना है, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, वो ज़रा सा भी आपको एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली आगे मत बढ़िए। मैं आपको यही बोलूँगी, क्योंकि बहुत से लोगों में पेरेंट्स की एज है और ना फैमिली फैमिली कंडीशंस भी इस तरह की कुछ है, तो फेमिनाइंस मजबूर हो रही है शादी करने के लिए। और काफ़ी लोगों ने, मैंने देखा है एक दो जनों ने शादी की भी है, जो मैं पास्ट क्लाइंट्स से मैं जानती हूँ उनको, वो अपने सोलमेट के साथ में बहुत हैप्पी है, ऐसा नहीं कि हैप्पी नहीं है। तो ये कम्प्लीटली आपकी जर्नी में, देखो एक टाइम पे आके आपको शादी तो करनी ही पड़ेगी, अगर आप 40s में हो, 50s में हो, उसके बाद में आपके ट्विन फ्लेम में अगर सिंगल है, तो आपका चांस बहुत स्ट्रांग है कि उनके साथ में यूनियन में आने का। लेकिन अगर आपके ट्विन फ्लेम को कमिटमेंट इशू है, या कमिटमेंट प्रॉब्लम है, या उनकी फैमिली हाँ नहीं बोल रही है, या उनके खुद के थर्ड पार्टी सिचुएशंस कोई है, तो वो उनको वहाँ से निकलने में टाइम लग सकता है, क्योंकि उनके माइंड में ब्लॉकेजेस अभी भी क्रिएटेड है, वो ब्लॉकेजेस उनके टाइम से ही निकलेंगे, याद रखिएगा। लेकिन आपके ट्विन फ्लेम सिंगल है, तो बहुत स्ट्रांग चांस हो जाता है उनका आपके पास रिटर्न आने का। लेकिन अगर वो सपोज़ सिंगल होने के बावजूद भी नहीं आ रहे हैं, समझो, तो आपको समझना होगा कि उनका ब्लॉकेज क्या है बेसिकली, समझो। उनको भी, वो भी तो सिंगल ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, 30s है, 40s है, लेकिन उसके बाद में तो इंसान को शादी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल लोगों की एक्चुअली यहाँ पे जो 3D वर्ल्ड है, 3D माया में क्या, सिंगल लोगों को एक्सेप्टेंस ज़्यादा नहीं मिलती है, और स्पेशली मेल है, तो उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, उसको लग रहा है कि यार ये मेल है हमारे घर में, बहुत सारी फैमिली में मैंने इंटीरियर्स में देखा है कि घर में लोगों को वैसा लगता है कि जो लड़का शादी नहीं है उसको घर में ज़्यादा आने नहीं देते, कि हमारी लड़कियों को नहीं देखे या बहू को नहीं देखे, ऐसी सब मेंटेलिटी होती है बहुत लोगों की, जो दो आजकल इस तरह से नहीं बिलीव करते, लेकिन फिर भी इस तरह की मेंटेलिटी है कुछ लोगों की। और जो फीमेल्स होती हैं उनको भी ऐसे लोगों को बहुत ताने सुनने पड़ते हैं फैमिली से कि इसकी शादी नहीं हुई, जो उसमें उसका कोई हाथ नहीं है, समझ लो। किसी की शादी हुई नहीं हो या किसी का बच्चा हुआ हुआ नहीं हो, वो उसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं होता है, ये याद रखिए। लेकिन ये क्या, दुनिया, समाज, ये स्टेटस, ये सब चीज़ लोग समझते नहीं ये सब चीज़ें, और वो क्या, बहुत जल्दी जजमेंट पास करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है कम्युनिटी में लोगों को। तो आपके अंदर कितनी स्टैमिना है, कितना फेस कर पा रहे हो, और आपका सोल आपको अंदर से क्या आंसर दे रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी सोल की आवाज़ सुनिए, समझ रहे हो। आप अपने पर्सन को बहुत जागृत करने की कोशिश करते हो करते हो करते हो, लेकिन उनकी सोल तभी जागृत होगी जब यूनिवर्स का इशारा होगा। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स का इशारा नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्स का इशारा होगा, डेफिनेटली होगा। तो वो ये चीज़ को आप अपनी लाइफ से, जो आपके एज के फैक्टर को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, और अपनी सोल, सबसे पहले अपनी इनर आवाज़ को सुनिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि जो लोग के रिलेटिव्स या जो कार्मिक्स हैं वो बहुत परेशान कर रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया।
तो हम लोग को उनके लिए बहुत गुस्सा आता है, उनको लोग बोलते हैं हमें उनको बद्दुआ देने का मन करता है ये ऐसे। मैं समझ सकती हूँ जब कार्मिक्स इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, मतलब समझ सकती हूँ कि आपकी वो सहन शक्ति की एकदम वो था एकदम लोएस्ट पॉइंट आ गया है या नेगेटिव पॉइंट चला गया है, अब आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि इतना कितना दर्द पाओ, कितना पेन ले और कितनी उनकी बदमाशी सहन करे, ये चीज़ आप मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूँगी कि आपके अंदर पेन है इसलिए पेन बाहर निकल रहा है, इसलिए आपके मुंह से बद्दुआ निकल रही है। जब आप वो पेन को बाहर निकाल दोगे, आपकी पर्जिंग हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आप लोग ऐसे लोगों को दया की नज़र से देखने लग जाओगे कि कितने वीक है वो लोग। वो लोग इतनी शक्ति नहीं है कि आपको है ना हरा सके, वो आपकी आपको परेशान कर सकते लेकिन आपको पराजित नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। तो वो चीज़ उनकी है, तो आप उनको दया की नज़र से देखो, उनको लगे कि यार कितने हेल्पलेस है वो लोग, कभी झुंड में आपके हाथ में अटैक कर रहे हैं कि वो अकेले भी आपको ना पराजित नहीं कर सकते, अकेले आपकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते, एक बार आपको डाउन डेफिनेटली कर सकते लेकिन आपकी हिम्मत को नहीं डाउन कर सकते, याद रखिएगा। तो ऐसे लोगों को कोई क्या इग्नोर करना ज़्यादा बेटर है, ये उनके ड्रामा में जितना हो सके कम इन्वॉल्व होना ज़रूर होता है, क्योंकि वो लोग आपको प्रोवोक करेंगे बार बार अपने ड्रामा में इन्वॉल्व होने के लिए, बार बार आपको प्रोवोक करेंगे, ट्रिगर करेंगे। लेकिन ये हमारा काम है कि वो ट्रिगर को ट्रिगर जैसे ना ले और उनको इग्नोर करके लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि वो लोगों का काम है आपको रोकना, वो लोगों का काम है आपको ट्रिगर करना, वो लोगों का काम है आपकी एनर्जी को डिप्लीट करना। ये आप पे डिपेंड है होता है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे हाई रखते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपको करनी ज़रूरी है। और एक और क्वेश्चन है फ्रेंड जो पूछते हैं कि मेरे पार्टनर बार बार मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं। अगर मल्टीपल रिलेशनशिप में जा रहे हैं आपके पार्टनर, तो वो उनका कर्म है वहाँ पे, वो नेगेटिव कर्म उनका कुछ ना कुछ रह गया जो उनको क्लियर करना है, या तो उनको लेसन सीखना है वहाँ पे कुछ ना कुछ डेफिनेटली, या वो अभी तक समझ नहीं पा रहे ट्रू लव किसको बोलते हैं, या वो खुद कमिटमेंट से भाग रहे हैं, खुद से भाग रहे हैं, तो उनको वो भागने दो। कितने दिन भागेंगे, 1 दिन, 2 दिन, 2 साल, 3 साल, 5 साल, बाद में एक इंसान थकेगा कि नहीं थकेगा, उनको लगेगा मैं क्या वही सेम सेम लाइफ जी रहा हूँ या जी रही हूँ, तो वहाँ पे उनको समझ में आएगा वो लूप में फंस गए, समझ रही हूँ। वहाँ उनको लोग जब उनको रिजेक्ट करना शुरू करेंगे, लोग उनको लगेगा ये पर्सन तो ऐसा ही है, ये पर्सन तो है ना किसी के साथ में कमिटेड नहीं है, वो क्या बिजनेस में कमिटमेंट करेगा या जॉब पे कमिटमेंट करेगा, या सपोज़ आप जॉब है बिजनेस में भी कमिटमेंट हो तो भी लोग आपको वहाँ जज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी बिजनेस लाइफ को अफेक्ट करती है और बिजनेस लाइफ भी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है। तो वहाँ उनको लेसन सीखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं कि लेसन सीखने को नहीं मिलेंगे, 100% वहाँ उनका कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट है और वहाँ उनको स्ट्रॉन्ग लेसन सीखने बाकी है, तो वो स्ट्रॉन्ग लेसन सीखेंगे तभी आपकी रियलाइजेशन उनको बहुत ज़्यादा अच्छे से होगी। तो वहाँ उनको लेट गो कीजिए और अपने लाइफ में अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ये भी मैं आप लोगों को बोलूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो होप आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, और भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग लिखिए, मैं उसके भी वीडियोज़ बना के डालूँगी। थैंक यू।